अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं हमारे वीडियोस को सबसे पहले पाने के लिए। हेलो एवरीवन, आई एम कुलदीप नामदेव और हम बात करेंगे प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड्स पे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी कंडीशन वही है जो प्रीवियस क्वेश्चन में थी, एक्सिस इंक्लाइन टू बोथ HP एंड VP। बात करते हैं प्रॉब्लम की। देखिए, इन सारे क्वेश्चन में मैं आपको पास मॉडल्स नहीं लेके आ रहा हूँ। मैं मॉडल की आदत जो आपकी लगी हुई है उसको हटाना चाहता हूँ ताकि एग्जाम में आप थोड़ा इमेजिन करके इसे बना सकें। इसलिए मैं डबल इंटीग्रेशन के क्वेश्चन विदाउट मॉडल्स आपको कराना चाहता हूँ, ठीक है? अब थोड़ा इमेजिन करिएगा। थोड़ा क्वेश्चन दिया हुआ अबाउट अ हेक्सागोनल पिरामिड। एक हेक्सागोनल पिरामिड है जिसका बेस साइड 30 mm है और इसकी जो एक्सिस की लेंथ है वो 60 mm, यानी कि इसका हाइट कितना है 60 mm के बराबर। आगे दिया हुआ है हैज एन एज ऑफ इट्स बेस ऑन द ग्राउंड, यानी कि HP, यानी कि एक एज उसका कहाँ पर है, HP पर है, एंड द एक्सिस इंक्लाइंड एट 30 degree टू द HP। आगे दिया हुआ द एज ऑफ द बेस ऑन विच इट रेस्ट इज इंक्लाइंड एट 45 degree टू द VP, ड्रॉ इट्स प्रोजेक्शंस। यानी कि क्वेश्चन में दिया हुआ है एक हेक्सागोनल पिरामिड है जिसका बेस साइड 30 mm है और उसकी जो हाइट है 60 mm है। उसका एक एज, किसका एक एज, बेस का, यानी कि बेस का कोई एक एज ऑन द ग्राउंड है, यानी कि HP पर है, और इसकी जो एक्सिस है वो HP से 30 degree इंक्लाइंड है। जैसे कि हमेशा मैं बताता आया हूँ कि 3 stage वाले क्वेश्चन में 2nd stage में हमेशा उसकी एक्सिस यानी कि ऑब्जेक्ट की एक्सिस ही इंक्लाइंड रहेगी। यानी कि 2nd stage में मुझे उसकी एक्सिस को इंक्लाइंड करना, यानी कि अगर एक्सिस का एंगल दिया है ना तो समझ लीजिए वो एंगल हमें 2nd stage में काम में आएगा। यानी कि मुझे 2nd stage में क्या करना है, क्योंकि एक्सिस का एंगल दिया है ना 30 degree HP से, यानी कि 2nd stage में इसकी एक्सिस को मुझे HP से 30 degree इंक्लाइन करना है। तो यहाँ से आगे की डिटेल हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है? मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको लेके जाना चाहता हूँ। तो इसलिए मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक की पोर्शन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बाद में पढ़ेंगे। तो अभी ये समझ में क्वेश्चन में आया कि एक्सिस को हम इंक्लाइन करते हैं 2nd stage में, इन्हें रूल बताया, तो उसको रूल के तहत आप देखेंगे तो आपको देखने में मिलेगा यहाँ पे क्वेश्चन में कि एक्सिस को मुझे HP से करना है 30 degree इंक्लाइन। ये क्वेश्चन को मान के चलिए 2nd stage तक का है, 2 stage का क्वेश्चन है, मान के चलिए ऐसा। इसको 3rd stage की हम बाद में करेंगे। तो क्या होता अगर उसको ड्रॉ करते, तो उसको ड्रॉ करने के लिए आपको क्या करना होता? आपने देख लिया है कि इसकी एक्सिस इंक्लाइंड है, किससे इंक्लाइंड है, HP से इंक्लाइंड है, और साथ साथ में क्या है, बेस का कोई एक एज ग्राउंड पर है, यानी कि HP पर है। यानी कि राइट साइड में क्या लेना है, पहले स्टेज के लिए आपको साइड लेना है। जब आप हेक्सागन बनाएंगे तो वहां पर राइट साइड में क्या लेना है, साइड लेना है, ठीक है? और आपको पता है कि इसकी एक्सिस को अगर मैं HP से इंक्लाइन करता हूँ 30 degree पे, उस पोजिशन पे मैं इसका फ्रंट और टॉप व्यू नहीं बना पाऊंगा। तो मैं वहां पर क्या करता था, आपको समझ में आ गया होगा, ऑलरेडी आपने काफ़ी सारे क्वेश्चन इसके ऑलरेडी 2nd stage से किए हुए हैं, तो मुझे लगता है कि ये आप समझ गए होंगे। फिर भी मैं एक बार बताना चाहता हूँ आपको कि उस कंडीशन में क्या करेंगे, जब इसकी HP से एक्सिस इंक्लाइंड है 30 degree, तो उसको आप नहीं बना पाएंगे, ना उसका फ्रंट व्यू बना पाएंगे, ना टॉप व्यू बना पाएंगे। तो इसके पहले बनाएंगे एक स्टेज जो इस प्रॉब्लम का पहला स्टेज कहलाएगा। पहला स्टेज बनाने का रूल क्या है, 2nd stage में एक्सिस जिस प्लेन से इंक्लाइंड होती है, पहले स्टेज को बनाने के लिए उसी ऑब्जेक्ट की एक्सिस को मुझे HP से करना होता है परपेंडिकुलर, यानी कि एक्सिस को मुझे 90 डिग्री पर रखना होता है XY लाइन से, यानी कि HP से, तब मैं इसका पहला स्टेज बनाता हूँ। तो मान के चलिए इसकी एक्सिस किस से इंक्लाइंड है, HP से इंक्लाइंड है। अगर मैं इसका पहला स्टेज बनाऊँ तो कैसे बनेगा, मैं एक्सिस से करूंगा HP से परपेंडिकुलर, और कोई भी अगर पिरामिड है या कोई भी सॉलिड ऑब्जेक्ट है, अगर उसके एक्सिस को मैंने HP से परपेंडिकुलर कर दिया, तो उसका जो ट्रू शेप है, यानी उसमें जो मुझे नजर आएगा हेक्सागन, वो कहाँ नजर आएगा,
वो तो टॉप व्यू में नजर आएगा। इसका मतलब ये हो गया है कि पहले मैं टॉप व्यू बनाऊंगा, फिर इसका फ्रंट व्यू बनाऊंगा। यानी कि पहले स्टेज को बनाने के लिए पहले क्या बनेगा, टॉप व्यू बनेगा। और टॉप व्यू में क्या दिखेगा मुझे, हेक्सागन दिखेगा। क्यों दिखेगा हेक्सागन, क्योंकि उसका बेस कहाँ पर है, एचपी पर है। उसका बेस एचपी पर होगा तो क्या हुआ, उसकी एक्सिस होगी एचपी से परपेंडिकुलर। वही मुझे करना था पहले स्टेज को बनाने के लिए, यानी कि उसका बेस रखा हुआ एचपी पर, ठीक है। अगर बेस एचपी पर रखा है तो टॉप व्यू मुझे हेक्सागन नजर आएगा, और टॉप व्यू हमेशा बनता है पहले प्रोजेक्शन के आधार पर एक्स वाई लाइन के नीचे। तो नीचे बनेगा हेक्सागन और फ्रंट व्यू में बनेगा ट्रायंगल। फिर हम उसे इंक्लाइन कर देंगे एचपी से 30 डिग्री और इसके टॉप व्यू को हम बना लेंगे। ऑलरेडी मैंने इतना पोर्शन बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं, ताकि ये क्वेश्चन ज़्यादा लेंदी ना हो, तो इतना पोर्शन ऑलरेडी मैंने बनाया हुआ है। आपको ऑलरेडी पता है ये फिगर कैसे बनेगा, आप इसको बना चुके हैं ऑलरेडी, इस तरह के काफ़ी क्वेश्चन कर चुके हैं। फिर भी बताना चाहूँगा, हेक्सागन ड्रॉ करूँगा, मुझे एज चाहिए एचपी पर, यानी कि साइड चाहिए एचपी पर। क्वेश्चन में कहा था, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कहा है, हैज एन एज ऑफ इट्स बेस ऑन द ग्राउंड, यानी कि एच उसको एचपी पर चाहिए जब इसकी एक्सिस को मैं एचपी से इंक्लाइन करूँ। तो राइट साइड में बाय डिफॉल्ट मुझे एज लेना होगा और हेक्सागन ड्रॉ करना होगा। यही वाला हेक्सागन आपको ड्रॉ करना है, नहीं तो दूसरा हेक्सागन ड्रॉ करेंगे जिसमें ऊपर और नीचे की तरफ साइड और राइट और लेफ्ट की तरफ कॉर्नर होगा, तो वो हेक्सागन गलत हो जाएगा। जो कंडीशन सेटिस्फाई करनी है मुझे वो नहीं हो पाएगी, तो यही वाला हेक्सागन मुझे ड्रॉ करना है, ठीक है। राइट साइड में क्या होना चाहिए, एज होना चाहिए। तो उसके बेसिस पे इसका फ्रंट व्यू बना लूंगा, आपको ऑलरेडी आता है इसका फ्रंट व्यू कैसे बनाना है, ठीक है। फिर इसे इंक्लाइन करूंगा, कैसे इंक्लाइन करना है यू नो बेटर, आपको मैं ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चन में करा चुका हूँ। तो इसको मैंने इंक्लाइन किया, इंक्लाइन करने पे देखेंगे यहाँ पे कितने पॉइंट्स हैं, यहाँ पे दो पॉइंट आ रहे हैं, यानी कि डी डैश दो पॉइंट मिल के क्या बनती है, साइड बनती है, यानी कि एज बनती है। और एच एचपी पे होना चाहिए था, बिल्कुल सही बनाया मैंने। यहाँ पे सिंगल पॉइंट होता तो वो क्या होता, बेस का कॉर्नर होता है एचपी पर। अगर यहाँ पे दो पॉइंट आ रहे हैं एक ही जगह पर, डबल नेमिंग है, इसका मतलब ये हुआ कि वो एज है। तो यानी कि एज एचपी पे हुई जब मैंने इसकी एक्सिस को इंक्लाइन की एचपी से, ये कंडीशन मेरी सेटिस्फाई हो गई, सही है बिल्कुल। अब इसको प्रोजेक्ट करते हुए इसको मैं ड्रॉ कर लूँगा इसके टॉप व्यू को। यहाँ तक आप ऑलरेडी काफ़ी क्वेश्चन इसमें के कर चुके हैं अपन, तो मेरे हिसाब से ये पूरा पोर्शन आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। सीक्वेंस मैंने बताया है, बार बार बताया, पहला ये बना तो दूसरा ये बनेगा, तो तीसरा ये बनेगा, चौथा ये बनेगा, तो पांचवा क्या बनेगा, टॉप व्यू बनेगा पांचवा। यानी कि अब मैं क्या बनाने वाला हूँ, टॉप व्यू बनाने वाला हूँ। टॉप व्यू के लिए तीसरे स्टेज का जो डेटा क्वेश्चन में दिया है उसको मुझे पढ़ना पड़ेगा। तो क्वेश्चन में क्या दिया आगे, द एज ऑफ द बेस ऑन विच इट रेस्ट इज इंक्लाइंड एट 45 डिग्री टू द वीपी। क्वेश्चन में क्या कहा है कि जब मैंने इसे एचपी से इंक्लाइन किया था, ठीक है, मैंने इसे इंक्लाइन किया था, तो ये क्वेश्चन बोल रहा है कि जो एज मैंने एचपी पर ली थी, उस एज का नाम अगर मैं देखूं तो क्या नाम है, उस एज का नाम डीई नाम है। तो अगर इस पूरी लाइन को यहां से लेकर यहां तक की जो लाइन है, यहां तक इसको मैं रिप्लेस कर दूं किससे, DE नाम से रिप्लेस कर दूं, तो क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, DE इज इंक्लाइंड एट 45 डिग्री टू द VP। यानी कि जब मैं इसका ये फिफ्थ फिगर बनाऊंगा, यानी कि टॉप व्यू बनाऊंगा, तो मुझे इसको इस तरह से बनाना है कि जो DE नाम की जो लाइन है, यहाँ पे जो एज नजर आ रही है, ये एज ना कितना एंगल पे आ जाए VP से, 45 डिग्री पे आ जाए, इसको लेके आपको बना देना है। तो इसको लेके आप बना देंगे, यानी कि एक लाइन ड्रॉ करेंगे VP से, यानी कि एक्स वाई लाइन से 45 डिग्री पर, उस लाइन पे आप DE को ले लीजिएगा। अब उस लाइन पे DE को आप ले लेंगे तो क्वेश्चन की कंडीशन हो जाएगी यहाँ पे सेटिस्फाइड। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसके लिए मैं एक पॉइंट मार्क कर लेता हूँ, इस पॉइंट से मैं एक एंगल ले लेता हूँ। एंगल कितना लेना है मुझे, क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, 45 डिग्री दिया हुआ है। तो मैं यहाँ गया और यहाँ से मैंने एक एंगल ड्रॉ किया जो कितना है, 45 डिग्री के बराबर है। ये मैंने 45 डिग्री ले लिया और यहाँ से इन दोनों को जोड़ते हुए मैंने एक लाइट लाइन यहाँ से ड्रॉ कर ली, ये एक लाइट लाइन मैंने ड्रॉ कर ली। कितना एंगल है, चाहो तो यहाँ लिख सकता हूँ मैं एंगल कितना है, ये कॉम्पास में ले लेता हूँ, आप देख सकते हैं कितना एंगल है ये, दिस एंगल इज
45 डिग्री। कितना एंगल है ये? ये एंगल है 45 डिग्री के बराबर। यहाँ तक तो किसी को डाउट नहीं होगा। अब मुझे क्या करना है, इस लाइन पे किसको लेना है? डी ई को लेना है। अगर डी ई को मैं इस लाइन पे नहीं भी लेता हूँ तो अगर मैं इस लाइन पे ए बी को ले लेता हूँ तब भी मेरा सॉल्यूशन सही रहेगा। क्यों सही रहेगा? क्योंकि ये ए बी और डी ई आपस में क्या है, पैरेलल है। तो अगर ए बी को मैं 45 डिग्री पे कर दूँ वी पी से, तो बाई डिफॉल्ट डी ई भी वी पी से 45 डिग्री पर आ जाएगा। दोनों कंडीशन में मैं कर सकता हूँ, जैसी आप इच्छा रखते हैं वैसे आप करिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप डी को इस लाइन पे ले सकते हैं या फिर ए बी को ले सकते हैं, जैसा आप करेंगे दोनों कंडीशन में सही होगा। मैं तो डी को लेता हूँ, ऐसा इसलिए लेता हूँ ताकि इस लाइन के आधे फिगर को यहाँ बना पाऊँ, आधे फिगर को यहाँ बना पाऊँ, इससे ये स्पेस भी सही से मेरा यूटिलाइज होता है। तो मैं क्या करूँगा, इसको अब मेरे पास दो ऑप्शन है, या फिर मैं इसको ऐसे घुमा दूँ, ऐसे घुमाऊंगा तो छोटा वाला पोर्शन यहाँ बन जाएगा, बड़ा वाला पोर्शन नीचे बन जाएगा। यहाँ पे मेरे पास काफ़ी स्पेस है। अगर मैं इसको ऐसे घुमाता हूँ तो ये हो सकता है, ये फिगर बड़ा है तो यहाँ पे टच हो जाए एक्स वाई लाइन को, ये भी हो सकता है। तो मैं इसको ऐसे नहीं घुमाऊंगा। कैसे घुमाऊंगा इसको? इसको मैं घुमाऊंगा क्लॉकवाइज। अगर मैं इसको ऐसे क्लॉकवाइज घुमाता हूँ तो छोटा वाला पोर्शन, इस डी ई लाइन के छोटा वाला पोर्शन, ये पोर्शन बनेगा ऊपर और ये पोर्शन बनेगा नीचे, जो मेरे लिए सूटेबल भी रहेगा। अगर मैं इसको फिर ऐसे घुमाता हूँ क्लॉकवाइज, अगर मैं इसको ऐसे क्लॉकवाइज घुमाता हूँ तो क्या हो जाएगा, डी पॉइंट ऊपर आएगा, ई पॉइंट नीचे आएगा। तो इस लाइन पे मैं अपनी मर्जी से कहीं पर भी एक पॉइंट मार्क कर लेता हूँ। सपोज मैंने ही पॉइंट मार्क कर लिया, तो इस पॉइंट का नाम मैंने दे दिया पॉइंट डी। इस पॉइंट डी को इस लाइन पे कहीं पे भी आप मार्क कर सकते हो, जहाँ भी आपकी इच्छा हो रही है। अब मगर ये पता है कि अगर इसको डी ई को मैं इस लाइन पे ले रहा हूँ, तो यानी कि इसी लाइन पर मुझे एक पॉइंट मिलेगा जिसका नाम है ई, और डी से लेकर ई की जो डिस्टेंस है मुझे पता है। तो मैं यहाँ से डी से लेकर ई तक की डिस्टेंस लेता हूँ और मैं डी को सेंटर मान लेता हूँ और इस लाइन पे मैं कट कर देता हूँ। जैसे मैंने कट किया, मुझे एक पॉइंट वहाँ पर मिला, जिस पॉइंट को नाम दिया मैंने, इसका नाम क्या हो जाएगा, पॉइंट ई हो जाएगा। और आप देख सकते हैं डी और ई कैसे जुड़े हैं आपस में, एक डैश्ड लाइन से जुड़े हुए हैं। तो मैं यहाँ पे इन दोनों को ज्वाइन करने के लिए डैश लाइन बना रहा हूँ, ठीक है। अब डैश लाइन बन गई है, अब मुझे देखना है इनको कैसे मार्क करूँ। आर्क्स लगा के सारे पॉइंट को आप मार्क कर सकते हो, या फिर एक काम करें, आप इस डी लाइन पर कुछ पॉइंट्स मार्क कर लें जो आपके लिए बहुत आसान होगा। कितने पॉइंट मिलेंगे मुझे? एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये, यानी कि डी और ई मेरे पास ऑलरेडी अवेलेबल है। अगर इस एक पॉइंट इसको मार्क कर लूँ मैं, और एक पॉइंट का हो तो इसे मार्क कर लूँ जिससे मुझे ओ मिल जाएगा, और एक पॉइंट में ये मार्क कर लूँ, अगर ये तीन पॉइंट में मार्क कर लेता हूँ तो मेरा पूरा काम आसानी से हो जाएगा। तो उन्हीं तीनों पॉइंट की लोकेशन में ले लेता हूँ। तो एक बार डी से लेकर मैं सेंटर वाले पॉइंट की लोकेशन ले लेता हूँ, लोकेशन मैंने ले ली है। इस डी को सेंटर लेते हुए मैंने यहाँ पे कट किया इस लाइन को, एक पॉइंट मुझे यहाँ मिल जाएगा, ठीक है, एक पॉइंट मुझे मिल जाएगा, इसे मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ, ठीक है। इसकी काफ़ी मदद मुझे मिलने वाली है। अब मैं अगर इसकी डिस्टेंस ले लूँ, तो इस पॉइंट की डिस्टेंस मैंने ली कहाँ से, डी से। अगर ये डिस्टेंस लेता हूँ तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस आपस में क्या होंगी, ये दोनों आपस में बराबर होंगी। यानी कि डी को सेंटर मानते हुए मैं सबसे पहले इसी डिस्टेंस से यहाँ पे कट करता हूँ, और एक बार ई को सेंटर लेते हुए मैं इसको यहाँ पे कट करता हूँ। ये सारे पॉइंट्स मेरे निकल के आ गए, एक ही आ गया, एक सेंटर पे आ गया और एक यहाँ पे आ गया। अब जहाँ जहाँ मुझे पॉइंट्स मिलने वाले हैं उसी हिसाब से मैं ड्राफ्टर लेता हूँ और इन लाइंस को मार्क करता हूँ। विशेष ध्यान आप दीजिएगा कि ये डी ई जो लाइन है, ये डी लाइन है, ये जितनी भी लाइंस हैं 1, 2, 3, 4, 5, ये लाइन चारों पाँचों के पाँचों कैसी हैं, डी के परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पे भी वही लाइन में ड्रॉ कैसे करूँगा, डी के परपेंडिकुलर। तो मैंने यहाँ पे पहले तो डी पे ड्राफ्टर सेट किया ताकि वहाँ से जो परपेंडिकुलर लाइन से मैं ड्रॉ कर सकूँ। अब मैंने क्या किया, अब मैंने देखा कि इसको मैंने ऐसे घुमाया था, यानी कि ए बी सी डी ई एफ है, ये बनेगा ऊपर। यानी कि इस लाइन पे मुझे क्या मिलेगा, ऊपर की तरफ मुझे एफ मिलेगा। तो एक लाइन मैंने यहाँ मार्क कर दिया, ठीक है। चाहो तो एक काम कर सकते हैं, आप कन्फ्यूज नहीं हो तो यहाँ से लाइन मैं सब में ड्रॉ कर लेता हूँ, बिल्कुल लाइट ड्रॉ करूँगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जितने भी पॉइंट्स हैं ना सबसे मैं ड्रॉ कर लेता हूँ।
मैं नहीं चाहता कहीं से आप कंफ्यूज हो। पिछले क्वेश्चन में मैंने स्पेसिफिकली वैसी लाइन ड्रॉ की थी, इसमें सब में से ड्रॉ कर लिए ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो। मेरा टारगेट ही आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब इस सारे पॉइंट्स को मार्क करना है। कॉम्पास लिया मैंने, अब मैंने देखा ई के बाजू वाला जो पॉइंट था वहाँ से ये डिस्टेंस में मुझे एफ पॉइंट मिलता, तो ये डिस्टेंस मैंने कॉम्पास में लिया। ई के बाजू वाला कौन सा, ये है पॉइंट। कहाँ ये कहाँ मिलेगा, ए पी सी डी ई एफ, मुझे मिलेगा इस लाइन के ऊपर। क्यों, क्योंकि मैं इसको कैसे घुमा रहा हूँ, इसको घुमा रहा हूँ क्लॉक वाइज। ठीक है, तो मैंने रख के यहाँ कट किया, यहाँ कट करने पे एक पॉइंट मुझे मिलेगा। इस पॉइंट का नाम क्या हो जाएगा, इस पॉइंट का नाम हो जाएगा एफ। ठीक है, अब ई की लाइन पर मुझे ऊपर क्या मिलेगा, ए मिलेगा। तो ई को सेंटर लिया, ई से लेकर ए का डिस्टेंस मैंने यहाँ से उठाया, ई से यानी कि ई की लाइन पे ऊपर यहाँ कट किया मैंने। यहाँ कट करने पे कौन सा पॉइंट मिलेगा मुझे, इस पॉइंट का नाम हो जाएगा पॉइंट ए। अब देखेंगे डी की लाइन पे मुझे क्या मिलेगा, या फिर कह सकते हो ये ले लेते हैं, ये सेंटर वाला पॉइंट है, इस पे नीचे की तरफ मुझे क्या मिलेगा, ओ मिलेगा। तो मैंने सेंटर पॉइंट पे कॉम्पास को रखा और ओ का डिस्टेंस मैंने यहाँ से उठाया। ठीक है, नीचे मिलेगा, याद रखिए ओ मैंने नीचे बनाना है। तो यहाँ कट मैंने किया तो मुझे एक पॉइंट यहाँ मिलेगा, इस पॉइंट का नाम हो जाएगा पॉइंट ओ। ठीक है, ओ पॉइंट आ गया। अब मैं अगर चाह रहा हूँ कि बी बी पॉइंट निकाल लूँ, बी का मिलेगा डी वाली लाइन पे ऊपर मिलेगा। ये डी वाली लाइन ये रखी, यहाँ से रख के यहाँ कट किया मैंने, मुझे यहाँ पे एक पॉइंट मिला, इस पॉइंट का नाम हो गया पॉइंट नंबर बी। अब एक पॉइंट सी बचा हुआ जो डी के बाजू वाले पॉइंट से गया हुआ है, तो मैंने यहाँ पे इसको रखा और ये डिस्टेंस लिया मैंने यहाँ पे डी के बगल वाले पे, यानी कि इस पॉइंट पे। मुझे पता है ना ए बी सी डी ई एफ का मानेगा ऊपर मिलेगा मुझे, तो यहाँ पे मैंने कट कर दिया। यहाँ पे कट करने के बाद मुझे एक पॉइंट मिला और इस पॉइंट का नाम हो जाएगा पॉइंट सी। आप देखेंगे सारे पॉइंट्स मैंने निकाल लिए। अब जैसे पॉइंट्स को मैंने यहाँ से ज्वाइन किया था, जिस लाइन से ज्वाइन किया था वैसे मुझे यहाँ पे ज्वाइन करना है। तो पहले तो मैं देखूँगा ओ से लेकर ए को ज्वाइन करना है, तो ओ से लेकर मैंने किसको ज्वाइन किया, ए को ज्वाइन किया। ये ए है, ये ओ है, इनको कैसे ज्वाइन किया, बाय डार्क लाइन। ओ से ए को मैंने ज्वाइन कर लिया। अब ओ से ए हो गया तो ओ से बी को भी डार्क लाइन से ज्वाइन करना है, तो ये ओ से लेकर बी को भी मैंने कैसे ज्वाइन किया, बाय डार्क लाइन। ठीक है, डार्क लाइन से ज्वाइन कर लिया मैंने, ओ से बी को ज्वाइन कर लिया। अब ओ से सी को ज्वाइन करना है, इस ओ से सी को ज्वाइन करना है मुझे डार्क लाइन से, ये मैंने ज्वाइन कर लिया। अब ओ से एफ को ज्वाइन करना है डार्क लाइन से, ये ओ से लेकर एफ को मैंने डार्क लाइन से ज्वाइन कर लिया। ठीक है, अब ई से ओ को ज्वाइन करना है, ई से ओ को ज्वाइन करना है कैसी लाइन से करना है, डैश लाइन से करना है। तो यहाँ पे डैश लाइन बनाऊंगा और ओ से लेकर डी को ज्वाइन करना है, इसको भी डैश लाइन से ज्वाइन करना है। तो इसको ही मैंने कैसे ज्वाइन किया, बाय डैश लाइन। अब क्या करना है, ए से एफ डार्क लाइन से ज्वाइन करना है, ए से एफ को डार्क लाइन से ज्वाइन करना है, ए से बी को डार्क लाइन से ज्वाइन करना है, ए से बी को डार्क लाइन से ज्वाइन करना है, बी से सी को डार्क लाइन से ज्वाइन करना है, बी से सी को डार्क लाइन से ज्वाइन करना है। अब सी से डी को डॉटेड लाइन से, डी को सी को कैसे करना है, डॉटेड लाइन से करना है, और इसको भी मुझे डॉटेड लाइन से ज्वाइन करना है। मेरे हिसाब से सारी एज अगर काउंट करें तो ये पूरा फिगर बन गया है। लाइट लाइंस मैंने इतनी लाइन लाइट ड्रॉ की है कि अगर उसे ना भी मैं मिटाऊं तो उससे कोई फिगर में कोई भी इनएक्यूरेसी नहीं आएगी। ठीक है, तो ये टॉप व्यू तो मेरा बन गया है, यानी मैंने उठाया इसको, इसे घुमा दिया इतना कि ये डी नाम की जो एज है जो एच पी पर मैंने ली थी वो वी पी से 45 डिग्री पर आ जाए। आई थिंक यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब मुझे क्या करना है, जितने भी पॉइंट्स हैं ना सबको ऊपर लेके जाना है। तो पहले तो मैं इसको एक्स वाई लाइन पे एडजस्ट करूँगा, तो ये एक्स वाई लाइन पे मैंने इसको एडजस्ट कर लिया है। अब क्या करना होगा, इसे मुझे ऊपर लेके जाना है जितने भी पॉइंट्स हैं। ये ओ पॉइंट है, इसके बाद पॉइंट नंबर सी, पॉइंट नंबर डी, पॉइंट नंबर बी,
फिर पॉइंट नंबर ई, जितने भी पॉइंट हैं सबको लेके जाना है। ये हो गया पॉइंट एफ, हो गया। इसमें से मुझे लगता नहीं है कोई छूटा है। अब यहाँ के जितने पॉइंट्स हैं सबको लेके जाना है, इनकी मैशिंग करनी है। ये हो गई इनकी मैशिंग। अब सारे पॉइंट्स को मैं फाइंड कर लेता हूँ और सबको लोकेट कर लेता हूँ। पिछले बार एक पॉइंट मैंने गलत मार्क कर लिया था, ये ओ पॉइंट है तो ये हो जाएगा यहाँ पे ओ डैश, ठीक है। अब बात करते हैं ए की, तो ए ये है, ए कहाँ पर है, ए यहाँ पर है, दिस पॉइंट इज ए डैश। बी कहाँ पर है, दिस इज बी, तो ये ए और बी एक ही लाइन पर है, तो दिस पॉइंट इज बी डैश। सी, सी की लाइन ये है, तो ये हो जाएगा सी डैश। डी की लाइन कौन सी है, डी की लाइन ये वाली है, यानी कि ये पॉइंट हो जाएगा डी डैश। डी के बाद ई कहाँ पर होगा, ई की लाइन ये है, यानी कि ई डैश मुझे यहाँ कहीं मिलेगा, यहाँ मिल गया डी डैश। और एफ मुझे कहाँ मिलेगा, एफ सबसे आखिरी वाला है, यानी कि एफ मुझे यहाँ मिलेगा, यानी कि ये पॉइंट हो गया मेरा एफ डैश। सारे पॉइंट्स को मैंने मार्क कर लिया है। अब आपको थोड़ा इमेजिन भी करना है, बताऊंगा भी थोड़ा आसान तरीका, मगर आपको इमेजिन भी करना है इनको ज्वाइन करने के लिए। अब इन्हें ज्वाइन कैसे करेंगे वो देखना है आपको। सबसे पहले बाउंड्री को डार्क करिए। बाउंड्री में जो हिस्सा आएगा, देखिए ओ सी को ज्वाइन करूंगा और ओ डी को ज्वाइन करूंगा, तो बाउंड्री में क्या आ रहा है, बाउंड्री में आ रहा है ओ डी, तो ओ डी को मुझे डार्क करना है। ओ सी बीच में आ रहा है तो इसे हटा के मैं इसका नेमिंग मैं यहाँ कर देता हूँ अंदर सी डैश, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो मैंने डी डैश से ओ डैश को ज्वाइन किया डार्क लाइन से, क्यों किया, क्योंकि ये तो बाउंड्री में आ रहा था। सिमिलरली डी डैश ई डैश को मैं ज्वाइन कर लेता हूँ, क्योंकि अगर आधा फिगर आप बना लोगे ना तो आप इमेजिन करके समझ जाओगे एक्चुअल में बनेगा कैसा, तो आप वैसी वैसी लाइन्स को ड्रॉ कर सकते हो। तो जितना नज़दीक आप पहुँच सको पहले उतने पोर्शन को आप ड्रॉ कर लो। तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, बाउंड्री में जो हिस्सा आएगा सबसे पहले तो मैं हमेशा उसको ही डार्क करता हूँ, इससे मुझे भी बहुत आसान लगता है। अब मैं बात करूँ ओ बी को ज्वाइन करना और ओ ए को ज्वाइन करना, तो मैं देखूँगा कि ओ ए यानी कि ओ डैश ए डैश ये बाउंड्री में आएगी, तो मैंने ओ डैश ए डैश को डार्क लाइन से ज्वाइन कर लिया, तो ये पोर्शन ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। अब मुझे देखना है, अब मुझे देखने पर ये नज़र आ रहा है कि अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को, मैंने बताया भी था, सपोज़ ये ऑब्जेक्ट मेरा मुझे यहाँ से देखना है, थोड़ा सा मुझे आगे का नज़र आएगा, थोड़ा सा नीचे का पोर्शन नज़र आएगा, मुझे ये समझना है। मुझे यहाँ से देखूँगा तो मुझे क्या क्या ओ ई और ओ डी नज़र आएगी, तो ओ ई और ओ डी, ओ डी ऑलरेडी डार्क बन चुकी है, ओ ई नज़र आएगी, और यहाँ से मैं देखूँगा तो ये ओ एस से आगे है, यानी कि ये ओ ई और ओ एफ ये पक्का है कि ये तो डार्क बनेंगी ही बनेंगी। फिर से बता रहा हूँ, कुछ को डाउट हो तो देख सकते हो। सबसे पहले सामने से देखा मैंने ऐसा, तो ओ एफ सबसे आगे है, ये तो दिखेगी ही दिखेगी, यानी कि ओ एफ मुझे डार्क करनी है। मैंने बताया ना कोई ऑब्जेक्ट सपोज ऐसा है तो मुझे यहाँ से भी देखना है और हल्का सा नीचे से भी देखना है, यहाँ से भी देखना है, इस तरह से इमेजिन कीजिए। तो यहाँ से देखेंगे तो मुझे ओ ई नज़र आएगी, ठीक है, ओ ई नज़र आएगी, ओ डी नज़र आएगी, ओ एफ भी नज़र आएगी, इस एंगल से मैं देखूँगा तो मुझे ओ ई और ओ एफ यानी कि ओ डैश ई डैश ओ डैश ओ डैश को डार्क करना है। तो यानी कि एक दो तीन चार, ये चार मेरी डार्क हो चुकी हैं, ठीक है। तो मैं अगर उस पोजीशन से देखूंगा तो मुझे कौन कौन सी नज़र नहीं आएंगी, ओ सी और ओ बी यहाँ से देखने में नज़र, नीचे से देखने में मुझे नज़र नहीं आएंगी, कौन कौन सी ओ बी और ओ सी, यानी कि ओ बी ओ सी जो है उनको मुझे कैसे बनाना होगा, मुझे उनको डॉटेड लाइन से बनाना होगा। तो इसको मैंने डैश लाइन से ज्वाइन किया और इसको भी मैं कैसे ज्वाइन कर रहा हूँ, बाय डैश लाइन, ठीक है। छः की छः एजेस हो गई, एक दो तीन चार पाँच और ये छः। अब बची हैं बेस की एजेस, इसमें तीन बना चुका हूँ, कौन सी, एक दो तीन, और तीन और बाकी हैं,
कौन कौन सी बाकी है? एक तो अगर मैं कहूँ बी सी, अगर बी सी को ज्वाइन करूँगा तो दो डार्क लाइन बीच में आ रही हैं, इसका मतलब ये फिक्स है कि कैसा बनेगा, ये डॉटेड लाइन से बनेगा। अब आप इमेजिन करके बताओ मुझे ये कैसी लाइंस होंगी, ये दो लाइन भी डॉटेड होंगी क्योंकि ये ऐसा पॉइंट है जहाँ से दो डॉटेड लाइन बन रही हैं, तो यहाँ से तीसरी लाइन भी कैसी होगी, ये भी डॉटेड होगी क्योंकि छः की छः लाइन तो आपको नज़र नहीं आएंगी बेस की, ठीक है। अगर कोई एक्सिस है दो प्लेन से इंक्लाइंड है तो छः की छः तो कभी नज़र नहीं आती हैं, चाहे वो कैसी पोजिशन हो, कुछ पार्ट तो उसका हिडन होता है। तो आप देखेंगे एक दो तीन चार, ये बाहर की हैं और ये पीछे वाली हैं, और ये बाहर की हैं और ये अंदर वाली हैं, यानी कि ये मुझे नज़र नहीं आएंगी। तो ये ऑब्जेक्ट को कैसे देखना है मैं फिर से बता रहा हूँ। सपोज़ ये मेरा ऑब्जेक्ट है, मुझे सामने से थोड़ा देखना है, और मुझे सामने से भी नहीं, आप तो समझ के यहाँ से मुझे देखना है, कहाँ से, इसके थोड़े से नीचे से देखना है। अगर ऐसे इमेजिन करोगे तो इसको एक मिनट बना लो, ये ट्रिक है, मेरी ट्रिक है ये। अगर यहाँ से आप देखोगे इसके थोड़े से नीचे से, तो नीचे वाली एज पूरी दिखेगी, यानी कि ओडी दिखेगा, ये डार्क बनी थी, ओई दिखेगी, ये डार्क बनी थी, और ओए भी सबसे आगे की ये भी दिख जाएगी आपको, यानी कि ओ डैश एफ डैश मैंने डार्क बनाई है, और ओ डैश ए डैश कैसे बनेगी, बाउंड्री में आएगी इसलिए डार्क हो जाएगी। मेरे हिसाब से इतना आपने कर लिया तो आप खुद ही इस फिगर को पूरा कंप्लीट कर सकते हो। तो देखिए उस कंडीशन में, जिस कंडीशन में कहा गया था, उसका टॉप व्यू मैंने ये बना लिया, उसका फ्रंट व्यू मैंने ये बना लिया। ये क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म होता है। कैसा लगा ये क्वेश्चन बताइए कमेंट बॉक्स में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।